दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने पबजी के M24 के शॉर्ट्स वगैरह में स्लोमो कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने काफ़ी शॉर्ट्स वगैरह देखी होंगी स्लोमो वाली, तो काफ़ी उनका स्मूथ स्लोमो होता है, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। ठीक है, टिकटॉक वगैरह में देखी होंगी, यूट्यूब वगैरह में, तो काफ़ी उनका मज़े का स्लोमो होता है, काफ़ी देख के मज़ा आता है, ठीक है, देखने का। तो आज आपको मैं वो स्लोमो डालने का तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको एक वीडियो में दिखा देता हूँ जो मैंने खुद बनाई थी, तो वैसे ही मैं आपको एक और वीडियो आज बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। ये देखें, वीडियो मैंने खुद बनाई थी। तो दोस्तों, इस तरह की एक वीडियो मैं आपको बनाने का आज तरीका बताने वाला हूँ कि आप अल्ट्रा स्लोमो और वीडियो को अपनी अच्छी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, M24 का अगर आप शॉर्ट वगैरह मारते हैं तो आपको शौक है इस तरह से स्लोमो अल्ट्रा स्लोमो डालने का, और उसके बाद आपको दिल करता है कि मेरी वीडियो भी इस तरह से मज़े की हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने पीसी पे आ जाना। ठीक है, मैं पीसी की ट्रिक बता रहा हूँ। पीसी पे आने के बाद आपने अपना एक नेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, अडोब प्रीमियर नाम का एडिटर होगा। ठीक है, ये डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखना, न्यू प्रोजेक्ट पे आना है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे दो। ठीक है, M24 शॉर्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं और करना है। ठीक है, एडिट बस ओके कर दो यहाँ से। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये नीचे इम्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इम्पोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। मैं इम्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपना क्लिप ढूंढ लेना है, जो आपने M24 का एक शॉट मारा है, दो शॉट मारे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये एक शॉट पड़ा हुआ है M24 का, तो ये मैं डाल लूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने इसको उठाना है और यहाँ पे आके टाइम लाइन पर ड्रैग कर देना। ठीक है, ड्रैग कर दिया मैंने, ये मेरा एक शॉट है M24 का। ठीक है, तो इसको ड्रैग करने के बाद ये करना है आपने, इसने कटिंग कर लेनी। ठीक है, यहाँ तक ये देखा, मैं यहाँ से चल के आ रहा हूँ। अब जो ये शॉट है ना, यहाँ पे देखें ये ठीक है, यहाँ तक जो करूँगा ना, ये आपने एरो देख रहे हैं, अब नीचे आना है आपने कटर टूल पे, रेजर टूल पे। ठीक है, इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, काट दिया यहाँ से, यहाँ से काटना है। और सबसे पहले आपने ये नीचे लाइन देख रहे हैं, इससे इस तरह छोटा होगा, इससे इस तरह बड़ी लाइन होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको पहले खींच के ना बड़ा कर लें, जितना कर सकते हैं, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, जो यहाँ तक आ जाए लाइन। ठीक है, बड़ा करने के बाद आपने ये कर लेना है, ये देख रहे हैं, इसको उठा के ऊपर कर देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, पूरा सेलेक्ट करके अनलिंक पे क्लिक करें। अनलिंक पे क्लिक करने के बाद ये इस पे आना है, दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, साउंड वाली जगह को। ठीक है, ये दोनों की साउंड है, इसको ना क्लियर कर देना है, डिलीट कर देना है, साउंड से हमें काम ही नहीं है। फिर आपने इस पर क्लिक करना है, पहली वाली लाइन पे ये काट दिया, इसको भी छोड़ दें ऊपर उठा के ना, ये देखें जिस तरह पड़ा होगा, इसको उठा के ऊपर ले जाना है। उठा के ऊपर लेके जाने, पहले वाले पे आए, यहाँ पे आए, आपने क्लिक करना है स्पीड ड्यूरेशन, समझे, इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे आके स्पीड ड्यूरेशन में आपने डाल देना है 50%। ठीक है, 50 डालने के बाद आपने नीचे आना है, इस पर यहाँ से ऑप्टिकल फ्लो कर देना है और ओके कर देना। ठीक है, ये भी आपका स्लोमो डल चुका है, पहला वाला, इसको आप खींच के थोड़ा आगे ले जाएँ। ठीक है, ये स्लोमो स्टार्ट किया, अभी ये जब तक लाल है ना, तो आपका जो स्लोमो है वो मज़े का नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्कोप वाला शॉट है, ये स्कोप वाला शॉट है मेरा। ठीक है, ये मैंने इसको मारा, यहाँ तक मार दिया। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको कट कर दूंगा, ये देखें कट कर दिया मैंने इसको। कट करने के बाद इसको आपने उठा के नीचे ले आना है, ताकि इसमें भी आप स्लोमो डाल सकें। इस पर राइट क्लिक करें, स्पीड ड्यूरेशन में जाएँ। स्पीड ड्यूरेशन में जाने के बाद आप चाहते हैं कि इसका जब स्कोप खुले तो काफ़ी स्लो खुले लेकिन स्मूथ स्लोमो हो। ठीक है, तो आप इसमें ये करें, 10% स्लोमो डाल लें। ठीक है, पहले वाले में आपने 50 डाला था, इसमें 10 डाल लें। 10 डालने के बाद नीचे से वही कर लें, दोबारा से ऑप्टिकल फ्लो कर लें, ओके कर लें। ठीक है, ये हो गया हमारा 10% स्लोमो डल गया इसमें। ठीक है, स्लोमो डलने के बाद आपने तीसरा वाला जो पार्ट होगा ना, इस पर क्लिक करना है दोबारा से, जो फर्स्ट में जो स्लोमो डाला था ना, सेम वही स्लोमो आपने इसमें डालना है 50%। ठीक है, 50% डालने के बाद वही दोबारा से ऑप्टिकल फ्लो कर लेना, रोको कर लेना। ठीक है, ये हमारा हो गया वीडियो का स्लोमो। ठीक है, तो अभी हम वीडियो चलाएंगे तो ये हमारी वीडियो जो होगी वो स्मूथ नहीं होगी, देखना। लेकिन मतलब स्लोमो डल गया, लेकिन आप कहेंगे वीडियो इतनी स्मूथ नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा, स्कोप भी देखना भी खुलेगा इस तरह। ये स्कोप खुला, ये शॉर्ट लगा, ठीक है, शॉर्ट भी सही लगा, स्लोमो भी फिट है सब कुछ, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा ना। तो
ये करने के बाद आपने पता क्या कर लेना है, ठीक है, अभी स्लोमो शोमो तो इसमें मैंने डाल लिया, सही है, स्लोमो डाल लिया। अब ये करना है कि ये देखें शॉट लगा है इसको, शॉट लगने के बाद मैं चाहता हूँ क्योंकि इस पर गाना जो लगाना है वो बारिश की जाए, ठीक है, बारिश वाला गाना लगाना है। तो आपने ये कर लेना है कि एक ग्रीन स्क्रीन यूट्यूब से उठा लेनी है, रेन रेन ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, ठीक है, नाम की चीज़ होगी, वो उठा लेना। वो उठाने के बाद ठीक है आपने ना उसको इंपोर्ट कर लेना। अभी यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है ये देखें, ठीक है, पड़ा हुआ है रेन ग्रीन स्क्रीन। इसको उठाने के बाद आपने एंड वाला जो क्लिप होगा इस पर डाल देना है इसको, ठीक है, इसको इसके बराबर कर देते हैं। फिर इस पर स्क्रीन पे क्लिक करें, वो जो रेन वाला इफेक्ट होगा इसको खींचना है आपने। ये मैंने खींचा, खींच के बड़ा कर दिया, ठीक है। खींच के बड़ा करने के बाद आपने ये कर लेना है, इसके बाद आपने राइट साइड पे आना है, ठीक है, इस तरह एडिटिंग पे होगा, आपने इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है, इफेक्ट्स पे वही राइट साइड पे आपका एक इंटरफेस टैब आ जाएगा, इस पे आके आपने लिखना है अल्ट्रा की, ठीक है, अल्ट्रा की लिखेंगे। उसके बाद ये आप नीचे देख सकते हैं एक आ गया वीडियो इफेक्ट्स में, कीइंग में और अल्ट्रा की, ठीक है। अब इसको आपने उठाना है, उठा के इसमें डाल देना है रेन ग्रीन स्क्रीन पर, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर नहीं, इस पर नहीं, ये मैंने उठाया, ये मैंने इस पर डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद आपने ये कर लेना है, इसके बाद आपने आ जाना है इसमें इफेक्ट कंट्रोल्स में, ये देखें इफेक्ट कंट्रोल्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे देख रहे हैं एक टूल है पेन टूल, जिससे मतलब कलर वगैरह वगैरह उठाते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपने आकर स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, समझे। ये देखें मैंने ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। अभी ये जो होगा ना स्मूथ नहीं होगा, तो अभी इसको अपने स्मूथ बनाने के लिए ये करना है, जब तक ये लाल लाइन है ना, ये आपकी जो वीडियो है ना वो स्मूथ नहीं होने वाली कभी भी, ठीक है। तो आपने इसको ये कर लेना है कि आपने यहाँ पे सीक्वेंस पे आना है ऊपर, ठीक है, सीक्वेंस पे आने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है रेंडर इनटू आउट पे। इससे ये होगा कि आपकी जो वीडियो होगी वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। अभी ये स्मूथ नहीं है, अभी इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, जब 100% हो जाएगी तो आपकी वीडियो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो कैसी बनी है। ये आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है रेंडर होने वाली है, ठीक है। रेंडर होने के बाद आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ कितनी मतलब स्मूथ बनी है और कितना मज़ा करा रही है, देख रहे हैं स्मूथ। इसमें अभी पता है मैं वीडियो आपको चला के नहीं दिखाऊंगा, पहले ना इसमें गाना डालते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, इसमें हम गाना डाल लेते हैं, म्यूज़िक में जाते हैं, मेरे पास वो गाना पड़ा है बारिश की जाए, ठीक है, जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था ना। तो अब इसमें ये कर लेना है, इस गाने को प्ले करके एक इसमें से लाइन उठानी है, ठीक है, हाथ में यहाँ पे है, ठीक है। बादलों को मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। यहाँ पे है, ठीक है, ये एक लाइन है इसमें, इसको उठाएंगे यहाँ पे डालेंगे, चेक करने दे एक मिनट रुक। यार हंस रहा है, बारिश की जाए। ठीक है, अभी जो है ना गाना ये मैच नहीं करेगा इसमें, मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा। यार हंस रहा है, थोड़ा सा इसको ना हम पीछे कर लेते हैं ताकि ये वीडियो के साथ ना एडजस्ट हो जाए। ये देख रहे हैं, अब बस यहाँ पे ये करना है, ठीक है। अभी शॉर्ट का ना ये यहाँ पे इसको शॉर्ट पड़ी है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर लो, यहाँ से पीछे होगा, ठीक है, ये शॉर्ट इसको पड़ा। अब अपने यहाँ पे करना है कि 1:4 का जो होता है ना साउंड इफेक्ट, वो यूट्यूब से निकाल लेना, ठीक है। मैं 1:4 का मेरे पास साउंड इफेक्ट पड़ा हुआ है, तो वो निकाल लेना। निकालने के बाद आपने देखें वीडियो में पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको मैं उठा के इधर टाइमलाइन पे डालूंगा, तो अभी इसके साथ वीडियो भी है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना स्क्रीन पे, इसी पे इस क्लिप पे, फिर राइट क्लिक करके अनलिंक करना है। अनलिंक करने के बाद इस ऊपर वाले क्लिप पे क्लिक करके क्लियर कर देना है, ठीक है, ताकि सिर्फ हमारे पास साउंड रह जाए। फिर यहाँ से खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ताकि 1:4 की साउंड पता चले कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ये है 1:4 की साउंड, वेट थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक करते हैं इसको, कट कट नहीं चला, इसको ना वो कर देते हैं, खींच के बराबर कर देते हैं, इतना कर दिया,
आगे से इतना कर दिया, ठीक है। अब जो M24 का शार्ट है ना, ये पड़ा है इसको M24 का शार्ट, ठीक है, ये पड़ा है M24 का शार्ट, यहाँ से ये लगा देंगे हम ये, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो चला के देता हूँ पूरी, जो वीडियो मैंने बनाई है कैसी बनाई है, अब चेक करना ज़रा वीडियो। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट में मसला आया, ठीक है। उसने जब शॉट मारा है ये यहाँ पे, शॉट सही टाइम पे ही लगा है, उसका मसला नहीं हुआ, पर ना गाने में थोड़ा आगे पीछे हो गया। आपने देखा जो इफेक्ट वगैरह मैंने लगाया है यहाँ पे, देखना अभी शॉट लगने के बाद जो मैंने ऊपर रेन ग्रीन तो इस तरह से YouTube पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, तो इस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो अभी सॉन्ग जिस तरह मतलब यहाँ तक जहाँ तक हमने लगाना है वहाँ तक लगा लो, बाकी क्रॉप कर दो, ठीक है। ये डिलीट कर दिया मैंने, ये पूरी आपका ना प्रोमो वाला क्लिप बन गया। अब ये आपको डिपेंड करता है आप किस तरह गाने वगैरह में ना सॉन्ग्स वगैरह को एडजस्ट करके ना तो इसमें लगाते हो, ठीक है, तो आपकी ये क्रिएशन पर करता है डिपेंड आप कैसे इस तरह करते हैं, ठीक है। तो मैं तो इस तरह वीडियो वगैरह बनाता हूँ अक्सर। तो अब ये बनाने के बाद आपने ये कर लेने का, आपने इधर से आके, ठीक है, इधर आना है फाइल पे, आप वीडियो सेव करने जाते हैं तो आने के बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, ठीक है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग होगी, चेक करना है, ये देखिए यूज एट मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इस पर क्लिक कर लें, फिर नीचे आए फिर इस पर क्लिक कर लें रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो वीडियो का नाम आप रखना चाहते हैं ना वो रख के कुछ भी रख लें, ठीक है, कुछ भी रख के सेव करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। 23 MB की हो रही है तो काफ़ी ओपी वीडियो बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो जो जो तरीका बताया वो करना है, जब तक ये ग्रीन लाइन नहीं होगी ना आपकी वीडियो स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। जब तक ये लाल है तो आपकी वीडियो जो है ना स्मूथ नहीं है, आपको मज़ा नहीं आएगा, तो आपको सेव करने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे आपने मतलब क्लिप के शुरू में आप 50% डाल दो, 40% डाल दो, ठीक है, ज़्यादा स्लो नहीं करो, मज़ा नहीं करेगा चलने फिरने में। लेकिन जब स्कोप खोलते हो यहाँ पे मज़े का स्लो मो होना चाहिए, चेक करो, मज़ा आता है एक बार, ठीक है, स्लो मो का। तो इस तरह से आपने स्लो मो डाल देना। तो ये थे वीडियो मेरी आज की, तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और कुछ समझ नहीं आता तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर सॉफ्टवेयर का लिंक वगैरह चाहिए तो वो भी बता दो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर का दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। तो आपने वीडियो देख ही ली होगी, काफ़ी इजी है स्लोमो वगैरह डालना, कोई बड़ी फिल्म नहीं है। तो वो भी तो काफ़ी तरीक़ों से स्लोमो वगैरह डालते हैं, बीट सिंक वगैरह होते हैं, वो तो मैंने नहीं किया अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह उसकी वीडियो वगैरह भी मैं लेके आऊँगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यही गुजारिश है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक शेयर कमेंट शमेंट कर दिया करो कोई मसला वगैरह आता है तो। यार दिल नहीं करता फिर वीडियो वगैरह डालने का, आप लोग सपोर्ट ही नहीं दिखाते यार, वीडियो शीडियो डालता हूँ मैं, तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज और लेके आऊँगा। आप कमेंट वगैरह करके बताओ कुछ किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं और हैवी हैवी वीडियो बनाऊँगा इस तरह की। तो अगर कोई एडिटिंग वगैरह पे चाहिए स्लोमो वीडियो पे तो सब वीडियोस मिलेंगी। अगर कमेंट्स वगैरह पे आप बात करते हैं तो आपको समझ नहीं आती तो आप फेसबुक पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मैं समझा दूँगा। तो आपने बस यही कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट वगैरह करते रहें कोई मसला वगैरह आता है। तो बस आज के लिए इतना ही था, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो आज के लिए